सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये हम लोग के एजुकेशन मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल के न्यू एजुकेशन मिनिस्टर है। सबसे पहले तो इनको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर है। और इन्होंने क्या स्टेटमेंट अभी थोड़े देर पहले न्यूज़ में दिया है, वो आप देख लीजिए, आपको आगे का डिसीजन लेने में हेल्प होगा। देखो, जैसे जैसे अपडेट आता है मैं आपके सामने सबसे पहले रख के देता हूँ। देखिए उन्होंने क्या कहा है, उनका जो व्यू है उसको आप सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। सुनिए। অভূতপূর্ব পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে লড়াই করছেন কেন্দ্রের সার্বিক অসহযোগিতা সত্ত্বেও, ভ্যাকসিন থেকে শুরু করে রেমডেসিভির, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে আপনারা দেখেছেন যে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেছেন এবং কেন্দ্রের অসহযোগিতার কথা বারবার তুলে ধরেছেন। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমরা চেষ্টা করছি যে সংসদের সঙ্গে কথা বলে ওদের ভিউ নিয়ে তারপর সেই শব্দে মুখ্যমন্ত্রী কি বলেন সেইটা অনুযায়ী আমরা করতে, আমাদের এই এত যে পরীক্ষার্থী এ ব্যাপারে আমাদের গভীর কনসার্ন আছে, তাদের কথা ভেবেই আমরা খুব দ্রুতই জানাবো। বাতিল হওয়ার কোনো এখন অব্দি আমাদের আমরা আমাদের কোনো ভাবনা এরকম আছে বলে আমি তো শুনিনি। আপনারা বারবার বাতিল বাতিল করছেন কেন আমি জানি না। सो भाइयों और बहन, उन्होंने आपने सुना होगा, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बात कहा। उन्होंने क्या क्या कहा? उन्होंने कहा पॉइंट नंबर वन कि हम लोग की चीफ मिनिस्टर बहुत ही स्ट्रांगली कोविड से लड़ रही है, बहुत अच्छा बात है और ये सही भी है। दूसरा बात उन्होंने कहा कि जितने भी भाई बहन लोग छोटे छोटे 10 और 12 में हैं, सबके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, उन लोग सबके बारे में ही सोच रहे हैं, उन लोगों का चिंता बहुत ज़्यादा है, हम लोग से ज़्यादा चिंता उन लोगों को है। उसके साथ साथ पॉइंट नंबर थ्री में उन्होंने मेंशन किया कि देखिए अभी तक हम लोगों के साइड से उन्होंने कहा है कि हम लोग अपना अपना व्यू दे रहे हैं, बोर्ड वाला अपना व्यू दे रहा है, सारे लोग अपना अपना व्यू दे रहे हैं, व्यू देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा है आपके व्यूज़ को लेकर के फाइनल डिसीजन मुख्यमंत्री ही लेंगी, उनको जो सही लगेगा वो डिसीजन लेंगी उचित समझ करके। सारे बच्चों के बारे में हम लोग बहुत चिंतित है और जब सही समय आएगा तो आप लोग को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, बट फॉर द टाइमिंग अभी तक उन लोगों ने कहा है कि अभी तक हम लोग कैंसिल करने का कोई प्लान नहीं किए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तक हम लोग का कैंसिल करने का कोई प्लान नहीं है, उन्होंने ये बात कहा है। ठीक है बाबू, तो उन्होंने कहा है कि हम लोग का प्लान अभी तक कैंसिल करने का नहीं है, वंस द सिचुएशन कम्स अंडर कंट्रोल, ये बात उन्होंने कहा है। बट ये बहुत, जैसे कि आपको बंगाली में यहाँ पे लिखा हुआ अभी दिखता होगा, कोरोना नियंत्रण एले ही माध्यमिक उच्च माध्यमिक दिनेर घोषणा, ये एक बहुत बड़ा बात है, इसको ही समझिए आप, ये कॉन्ट्रोवर्शियल बात है। गवर्नमेंट कभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देता है, याद रखिएगा। उन्होंने कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, उन्होंने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम क्लियर कट बात कहा है, कुछ नया इसमें कहा नहीं है, ये सबको ही पता था। उन्होंने कहा है कि कोरोना नियंत्रण में आने के बाद हम लोग दिन का घोषणा करेंगे, बट सवाल ये है कोरोना नियंत्रण में आएगा कब? जब 1.5 साल में नहीं आया तो कोरोना नियंत्रण में कब आएगा? तो दोस्तों फाइनल डिसीजन मुख्यमंत्री ही लेंगी, उनको ही बोलना है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, दैट्स इट। सो दोस्तों, ये जैसे कि आपको सारा अपडेट हम सबसे पहले देते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप लोग से शेयर करेंगे और आपको अपडेट टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि क्या स्टेटस है एग्ज़ाम का। थैंक यू सो मच।